हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने वीवो Y01A एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है मैग्नीफिकेशन सेटिंग को अपने यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये मैग्नीफिकेशन सेटिंग जो है कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे ये ऑप्शन मिलेगा एक्सेसिबिलिटी, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे यहाँ पर ये ऑप्शन मिल जाएगा ये मैग्नीफिकेशन का, इसे सेलेक्ट करना है। अब ये मैग्नीफिकेशन का पेज ओपन होगा, इसमें आपको नीचे ये मैग्नीफिकेशन शॉर्टकट ऑफ का ये ऑप्शन मिलेगा, इसके नाम के ऊपर ही आपको टैप करना है। तो आपका एक इस तरीके से मैग्नीफिकेशन शॉर्टकट का एक पेज ओपन होगा। इसमें आपको ना दो ऑप्शन दे रखे हैं इस पेज में, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेता हूं, बॉक्स में राइट टिक लग जाएगा। इसके बाद आपको नीचे ये सेव का बटन सेलेक्ट करना है। आपके यहां पे मैग्नीफिकेशन सेटिंग ऑन हो जाएगी और आपके फोन की स्क्रीन के ऊपर ही मैग्नीफिकेशन का एक शॉर्टकट बटन दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां पर इस सेटिंग को आप ना किसी भी पेज पे किसी भी ऐप के अंदर कभी भी इसका यूज कर सकते हैं। कैसे, देखिए जो शॉर्टकट बटन आपको सब जगह दिखाई देगा, इसे आपको एक बार दबाना है तो यहाँ पर आपके फोन के चारों ओर ना, मोबाइल फोन के चारों ओर एक ऑरेंज कलर की एक लाइन बन जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना आपको करना क्या है कि आप यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं एक बार और दबाऊंगा इस पे, एक बार और दबाऊंगा तो स्क्रीन बड़ी हो जाती है, ठीक है। आप चाहे तो स्क्रीन को और भी ज्यादा देखिए बड़ा कर सकते हैं, इस तरीके इसका जूम इस तरीके से कम कर सकते हैं और इस तरीके से और भी ज्यादा जूम को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। और आपको अगर स्क्रीन को ऊपर नीचे आगे पीछे करना है तो किसी भी हाथ की दो उंगलियों का यूज करना है, ठीक है। एक उंगली से काम नहीं करेगा, दो उंगलियों से करना पड़ेगा, तब जाके आपकी स्क्रीन ऊपर नीचे आगे पीछे होगी, ठीक है ना। ये बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये देखिए इस तरीके से ये आप कर सकते हैं। और आपको ये देखिए नीचे की साइड में ना, एक आप जब टच करते हैं तो नीचे की साइड स्क्रीन के ब्लैक कलर का एक बॉक्स दिखाई देता है, एरो बना हुआ, ठीक है। तो इसे आप एक बार दबाएंगे ना, देखिए अगर हट जाता है तो टच करेंगे स्क्रीन पे तो दोबारा दिखाई देगा। तो इसे टच करेंगे ना तो आपकी जो मैग्नीफिकेशन की जो चारों ओर जो स्क्रीन बनी हुई थी ना, चारों ओर लाइन बनी थी ऑरेंज कलर की, छोटी सी स्क्रीन में बदल जाती है, ठीक है। तो यहां पर देखिए इसके अंदर एक ब्लैक कलर का हाथ दे रखा है कोने पे, छोटी सी स्क्रीन के अंदर। इस हाथ के ऊपर आप उंगली से दबा के इसे पूरी स्क्रीन के ऊपर आप ना इसे घुमा सकते हैं, छोटी सी इस स्क्रीन को, ठीक है। ये मैग्नीफिकेशन की छोटी सी स्क्रीन हो जाती है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं छोटे छोटे लेटर भी काफी बड़े दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर जो है सेटिंग का यूज हम तब करते हैं जब हमें कभी छोटी छोटी कोई इमेज बड़ी करके देखनी होती है। इससे एक फायदा ये होता है कि आप अगर इस सेटिंग का यूज करेंगे तो इससे जो छोटी छोटी इमेज है ना वो बड़ी करके आप जूम करके देखेंगे तो वो फटेगी नहीं, ब्लर नहीं होगी, ठीक है ना। अगर आप अपने नॉर्मल कैमरे से अगर आप जूम करके देखते हैं तो उससे वो ब्लर हो जाती है हल्की फुल्की, लेकिन इससे ब्लर नहीं होती, वैसे की वैसे दिखाई देती है, ठीक है ना। तो मैग्नीफिकेशन सेटिंग का एक ये फायदा होता है। तो आपको मैंने इसके दो तरीके बता दिए, छोटी स्क्रीन का यूज बता दिया और बड़ी स्क्रीन पे भी इसका यूज बता दिया, ठीक है ना। अगर आप इसे जो है इस शॉर्टकट बटन पे एक बार और टैप करेंगे आपका फोन नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगा।